हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट हब। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। तो इसका जो प्रीवियस यूनिट था हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन, उसको मैंने क्लियर कर दिया था, ठीक है, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो हम यहाँ से देखेंगे हमारा जो आगे नेक्स्ट यूनिट है। तो चलिए, ये जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इसमें चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो आ जाता है मेरा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। सेकेंड आ जाता है मेरा ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। थर्ड आता है मेरा ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशन, ओके। इसका जो हमारा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारा जो ट्रैफिक है वो किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, ओके। एंड ट्रैफिक स्टडीज में हम क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे किसी भी ट्रैफिक का, ठीक है। हम आखिर एनालाइज करेंगे ट्रैफिक का तभी तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि जो हमारा रोड होगा उस चीज़ को हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, कि हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से करेंगे कि हमारा व्हीकल्स का कितना मेरा पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, किसी भी रोड को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेरा ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस एंड रेगुलेशन, कि हम क्या करेंगे कि हम ट्रैफिक को कितने किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और हमारा इसका जो रेगुलेशन होगा वो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो हम एक एक टॉपिक को काफ़ी डिस्कस में ये काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, ओके। सो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो पहला यूनिट है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में देखते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारा जो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तो जनरली जो बेसिकली हम ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में जो ट्रैफिक का जो कैरेक्टर है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि उसका क्या क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड वो हमारा किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को तीन पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि हमारा जो कोई भी यूजर हमारा रोड में ड्राइव करता है व्हीकल्स, ठीक है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया कि हमारा कोई भी व्हीकल है तो उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए, उस पर कितना लोड होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम देखेंगे व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में। थर्ड हम देखेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, कि जब हम क्या करेंगे किसी भी व्हीकल में ब्रेक लगाएंगे तो हमारा उसका जो ब्रेकिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी होनी चाहिए, कि अगर हम ब्रेक मार रहे हैं तो हमें गाड़ी क्या रहनी चाहिए, व्हीकल रुक जानी चाहिए, ठीक है, या नहीं रुकनी चाहिए, उसके कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, ठीक है, उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम फर्स्ट जो हमारा है रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। देखिए हमारा ये जो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका जो कुछ हमारे फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग योर रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मैंने आपको बोला कि रोड पे जितने भी हमारे कैरेक्टर है वो हो गया रोड की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड और हमारे कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारा रोड को अफेक्ट करता है, यानी उसके ट्रैफिक को अफेक्ट करता है। तो इसमें क्या आ गया, रोड कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया यूजर, तो यानी रोड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी यूजर के हिसाब से कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है, तो हम उस चीज़ को देखेंगे। तो देखिए जो पहला आता है वो आता है मेरा फिजिकल, ठीक है, यूजर का फिजिकल कैरेक्टर। फिजिकल कैरेक्टर दो तरीके से हो सकता है, टेम्पररी एंड परमानेंट, ठीक है। अब देखिए जो इसमें हो गया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो किसी भी यूजर में होता है, ठीक है, जैसे आपका विजन हो गया, हियरिंग स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ हो गया एंड जनरल रिएक्शन टू ट्रैफिक सिचुएशन, कि आप किसी भी ट्रैफिक के सिचुएशन को कैसे आप हैंडल करोगे, ठीक है, ये आ गया हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है, यूजर का। तो क्या हो सकता है, जिस इंसान का जो विजन बहुत अच्छा होगा, ठीक है, हियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, उसको कलर का बहुत अच्छा मतलब विजन होगा, तो क्या होगा कि उसकी जो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है, ये तो हो गया मेरा, ये फिजिकल हो गया, ये परमानेंट है, ठीक है, कि किसी भी यूजर में ये परमानेंट चीज़ है, ठीक है। अगर किसी की विजन कमज़ोर है तो वो कमज़ोर ही रहेगा क्योंकि वो उसका परमानेंट चीज़ हो गया। दूसरा आ जाता है इसमें टेम्पररी, फिजिकल में दूसरा आता है टेम्पररी। टेम्पररी में क्या होता है कि अगर आप गाड़ी क्या कर रहे हो, अल्कोहल पी के अगर आप क्या कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो ये भी क्या करेगा, ट्रैफिक को अफेक्ट करेगा। तो बट ये क्या हो गया, ये हो गया ये टेम्पररी। टेम्पररी इसलिए हुआ कि जब तक आपका अल्कोहल का असर है आपके अंदर तब तक ही आपका जो गाड़ी का चलाने की जो प्रोसेस होगा, आप जिस तरीके से गाड़ी चलाओगे हमेशा तो उस तरीके से नहीं चलाओगे, तो इसीलिए इसको टेम्पररी बोला गया, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हो गई, विजन हो गया, हियरिंग स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ एंड जनरल रिएक्शन, यही सब हो गया मेरा ट्रैफिक का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, यूजर का। नेक्स्ट आ जाता है मेरा साइकोलॉजी, ठीक है, ये साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा कोई भी
यूजर अगर गाड़ी चला रहा है तो साइकोलॉजी में देखिए जो चीज़ें आ जाती है वो आ जाती है अटेंटिवनेस, ठीक है, कि आप कितना सतर्कता से आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, फियर कि आपको डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो डर रहे हैं तो क्या करेंगे, व्हीकल जनरली इधर उधर करके चलाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा ट्रैफिक अफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आप एंगर, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो आप क्या करोगे, गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर आप उड़ा दोगे, ठीक है, स्पीड से चलाने से भी क्या होती है एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये भी क्या करेगा कि हमारा रोड का करेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करेगा। दूसरा हो गया इमोशन, नेक्स्ट आ गया मेरा आपका ये आपका मेच्योरिटी, ठीक है, ये मेच्योरिटी भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। आप इस तरीके से आप मेच्योरिटी को देख सकते हो कि ये कम मेच्योर का अगर कोई लड़का है, अगर वो क्या कर रहा है बाइक चला रहा है तो ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑलवेज चाहेगा कि जो लिमिट है उस चीज़ को बियॉन्ड लिमिट क्रॉस कर देगा स्पीड का, ठीक है, तो उस तरीके से ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह करने के चांसेस हो जाते हैं। अगर मेच्योर इंसान है तो वो क्या करेगा, ट्रैफिक के जितने भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उस चीज़ को वो अच्छे तरीके से फुलफिल करेगा, ठीक है, क्योंकि उसे अच्छे तरीके से समझ है कि हमारा इसका जो रूल क्या बोलता है ट्रैफिक का, हमें कितनी स्पीड चलानी चाहिए गाड़ी, कितनी स्पीड नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा मेच्योरिटी पे भी हमारा डिपेंड करता है रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट आ जाता है मेरा मेंटल, ठीक है। मेंटल में क्या हो गया कि अगर आप कोई आपके अंदर कितनी स्किल्स है, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स है अगर व्हीकल हैंडल करने का चलाने का, तो आपका ऑब्वियसली जो गाड़ी चलाने का जो वे होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। इसमें आपका आ गया मेंटल में आपका स्किल्स आ गया, इंटेलिजेंस आ गया, एक्सपीरियंस आ गया एंड लिटरेसी एंड नॉलेज, ठीक है, कि आपके अंदर कितने सारे नॉलेज हैं किसी भी व्हीकल को चलाने का, वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ओके। देखिए आइए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले विजन का, ठीक है, कि ट्रैफिक में जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है आपका विजन, ठीक है। अगर आपको अच्छे तरीके से अगर आपको कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है तो इसका सीधा सीधी मतलब है कि आपसे जो एक्सीडेंट होने का जो चांसेस है वो कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए विजन को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स अपॉन वाई से, ठीक है। एक्स क्या हो गया किसी भी एबनॉर्मल इंसान का जो आय हुआ, और वाई हो गया किसी नॉर्मल इंसान का आय, ठीक है, उसकी कितने डिस्टेंस को वो ट्रेवल कर सकता है, ओके। तो देखिए जो 6x6 विजन क्या बोलता है, ये बेस्ट विजन होता है। अगर किसी इंसान के विजन में अगर कोई डिफेक्ट नहीं है तो उसका जो विजन का जो यूनिट होगा वो 6x6 विजन होगा। 6x6 का कहने का मतलब है नॉर्मल विजन इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू रिकॉग्नाइज ए लेटर ऑफ 8.5 मिलीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, ठीक है। अगर आप 8.5 मिलीमीटर के लेटर को आप क्या कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर ले रहे हो 6 मीटर डिस्टेंस से, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास 8.5 मीटर का ये 8.5 मिलीमीटर का अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप इसको 6 मीटर के डिस्टेंस से अगर आप इस चीज़ को क्लियरली देख ले रहे हो, ओके, अगर आप इस चीज़ को क्लियरली अगर आप विजिबल है, आप रिकॉग्नाइज है कि ये लेटर क्या है, तो आपका जो विजन हो जाएगा वो हो जाएगा 6/6, ओके। नेक्स्ट आता है मेरा 6/9 विजन, ओके। देखिए ये 6/9 विजन है, अ पर्सन 6/9 विजन हैज पुअर देन नॉर्मल विजन बिकॉज ही कैन रिकॉग्नाइज 6 मीटर व्हाट अ नॉर्मल पर्सन कैन रिकॉग्नाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, ठीक है। ये जो 6/9 होता है ये क्या होता है, ये एबनॉर्मल कंडीशन होता है, ये पुअर कंडीशन होता है कि कोई भी आदमी 6 मीटर के डिस्टेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख लेता है, बट इसमें क्या होगा कि 9 मीटर के डिस्टेंस से वो उस चीज़ को देखेगा, तो आपका जो विजन है वो क्या होता है, पुअर हो जाता है, पुअर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेरा पेरिफेरियल विजन, ठीक है, कि अगर आप क्या कर रहे हो किसी भी चीज़ को, अगर आप यहाँ पे अगर आपका आय है तो आपका जो पेरिफेरियल विजन का मतलब है कि कुछ एंगल के साथ आप इतना एरिया को कवर करोगे, ओके। ये मेरा विजन है, यहाँ से ये मेरा आँख का ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा रेटिना है, तो ये रेटिना क्या करेगा कुछ, तो केवल ये तो ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके से स्ट्रेट ही देखेगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ एंगल इस तरीके से होगा जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके का एरिया को कवर करेगा, ये जो एरिया उसका दिखा इस चीज़ को हम बोल देते हैं पेरिफेरियल विजन, ठीक है, कि वो हमारा कितना होना चाहिए, ओके। तो देखिए ये जो पेरिफेरियल विजन होता है, फर्स्ट में आप देखो इसको कि ये हो गया अगर मेरा आँख है, ठीक है, यहाँ पे ये आय है, ठीक है, इसका पेरिफेरियल विजन ये कितना है, ये जो दिख रहा है ये हमारा 3 डिग्री कोण पे है, और ये जो है मेरा ये है
10 डिग्री कोण पे, और ये जो मैक्सिमम जो पेरिफेरियल विजन होगा यहाँ पे वो 12 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जब आप कुछ एक स्फेयर या फिर कोई सर्कल को आप देखते हो तो इस तरीके से होगा, जो बीच वाला पोर्शन होगा वो 3 डिग्री पे आपका कितना विजन है और 10 डिग्री पे आपका कितना विजन है। ओके, ये हो गया लाइन ऑफ विजन, जो दिखा रहा है ये डॉट लाइन से, ये लाइन ऑफ विजन हो गया कि आप देख सकते हो कि जब आपका आँख का रेटिना का जो एंगल होगा 3 डिग्री होगा तो आपका जो पेरिफेरियल विजन है वो कितना होगा, और अगर आपका आँख का जो रेटिना का है ठीक है उसकी जो एंगल अगर 10 डिग्री है कोण का तो आप उस केस में कितना पेरिफेरियल यानी कितना इस तरीके का डिस्टेंस को आप देख सकते हो। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है पेरिफेरियल विजन का। ओके, तो आप यहाँ से देखो, शार्पर विजन इज कंसंट्रेटेड इन द जोन फॉर्म्ड बाय द कोन हुज एंगल इज 3 डिग्री अबाउट सेंटर ऑफ रेटिना। ठीक है, अगर मेरा ये अगर रेटिना है यहाँ पे आँख का, तो अगर ये जो एंगल आपका 3 डिग्री का होगा, ठीक है ये जो एंगल है अगर आपका 3 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का मतलब आपका जो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा इस जो पेरिफेरियल का वो क्या होगा, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, शार्प होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप छोटा सा इस पोर्शन पे ही आपका ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है 3 डिग्री पे, तो आप इस चीज़ को एकदम कंसंट्रेट शार्प माइंड में आप इस चीज़ को देख सकते हो। ओके, बट विजन इज स्टिल सेटिस्फैक्ट्री व्हेन कोन इज 10 डिग्री। ठीक है, जब हमारा कोन का एंगल 10 डिग्री होता है उस टाइम भी जो आपका विजन होगा वो उसको हम सेटिस्फैक्ट्री मान के चलते हैं। ठीक है, और जो मैक्सिमम कोन का एंगल वो 12 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट बोल के रखा है वो बोला है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर पेरिफेरियल विजन फॉर लोकेलिटी ट्रैफिक डिजाइन एंड इन्फॉर्मेशन मैसेज एट रोड साइड। ठीक है, कि आपको क्या है कि अगर ये आपका रेटिना है, ठीक है, तो आप अगर इतना सारा अगर आप इस एरिया को पेरिफेरियल विजन को आपको देख पा रहे हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कि देखिए सपोज यहाँ पे घर है, यहाँ पे आदमी रोड में चल रहा है, तो आपको ये एरिया पूरा कवर करना चाहिए ताकि आप हर तरीके से हर जगह पे आप अच्छे तरीके से देख पाओ। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो पेरिफेरियल विजन ही होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप केवल यहाँ से यहाँ स्ट्रेट देख रहे हो, ये सफिशियंट नहीं है। ठीक है, आपको पेरिफेरियल विजन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके, आप यहाँ से देखो, एज द स्पीड ऑफ व्हीकल इंक्रीजेज पेरिफेरियल विजन डिक्लाइन। ठीक है, अगर आपका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या करोगे, आपका जो पेरिफेरियल विजन है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, डिक्लाइन हो जाएगा। अगर आपको क्या है, पहले आप इतना देख रहे थे, इतना एरिया आपने देख रहा था, आपका कुछ एक स्पीड था, अगर आपने स्पीड बहुत ज़्यादा कर दिया तो आप क्या है, हर चीज़ को नहीं देख सकते पेरिफेरियल, बहुत ज़्यादा दूर आपका जो रेडियस कवर नहीं करेगा आँख। ठीक है, तो आप मान के चल लीजिए कि आपने कुछ इतना ही देखा, ये आपका कम हो गया। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये, एज द एज ऑफ पर्सन इंक्रीजेज पेरिफेरियल विजन डिक्लाइन। ठीक है, कि अगर आपका एज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ठीक है, आपका जो पेरिफेरियल विजन है वो क्या होता है, घट जाता है। ओके, नेक्स्ट है मेरा, पेरिफेरियल विजन डील्स विद द टोटल विजुअल फील्ड फॉर टू आइज, कि आप दोनों आँखों से कितना एरिया को आप कवर कर पा रहे हो। ठीक है, इस चीज़ को बताता है टोटल विजुअल फील्ड को, कि आप किसी भी फील्ड को कितना आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है, एंगल ऑफ पेरिफेरियल विजन इज अबाउट 160 डिग्री इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 115 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन। मैंने आपको बोला कि ये जो आपने जो देख रहे हैं आप पेरिफेरियल विजन, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये मेरा आँख है तो आपने केवल क्या ये 90 डिग्री ही आपने देखा, ऐसा नहीं है। जबकि आपका जो पेरिफेरियल विजन बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है आपका। ठीक है, अगर ये इस तरीके से बना तो आप इसको देख सकते हैं, ये क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ओके, जो कि 160 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ अगर देखते हैं, अगर एंगल को मेजर करेंगे तो 160 डिग्री होगा एंड हमारा 115 डिग्री होगा इन वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, ये था हमारा पेरिफेरियल विजन। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पेरिफेरियल विजन क्या होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है, छोटा सा एक क्वेश्चन, इस चीज़ को आप देख लेते हैं। ठीक है, अगर 4 6x6 डिस्टेंस अगर आप 48 मीटर अगर आप देख ले रहे हो, ओके, 6x6 का अगर डिस्टेंस देखा जाए 48 हो गया, अगर किसी नॉर्मल आँख इंसान का जिसका विजन जो पावर है वो 6x6 है तो वो अगर 48 मीटर दूर तक वो देख ले रहा है। फोर अगर हम बात करेंगे 6x y, अगर हमको 6x y को अगर हमको देखना है
तो ये सॉरी 6/9 का देखना है, तो ये कितना होगा, 6/9 अपॉन इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये कितना देख पाएगा, 32 मीटर। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो 6/6 विजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा विजन होता है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से इस क्वेश्चन से भी देख सकते हो कि जिसका 6/6 था वो 48 मीटर तक डिस्टेंस को देख ले रहा था, बट जिसका 6/9 है वो केवल कितना, 32 तक ही देख पा रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जो 6/6 है दैट इज़ द आइडियल केस, ठीक है, यानी बेस्ट केस, ठीक है। वो तो था हमारा यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि इंसान का कितना जो फिजिकल कैरेक्टर, इमोशंस वगैरह, जो मेच्योरिटी लेवल है, उस बेसिस पे बता सकते थे कि वो हमारा रोड का जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस चीज़ को कैसे वो अफेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्योंकि अगर मेरा व्हीकल रोड में चलेगा तो उसका कुछ हमारे जो वेड्थ है, लेंथ है, वो सब सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर ये होना चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, कि आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर किसी की गाड़ी की है ये विड्थ बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत ज़्यादा कम है, तो ये क्या होगा, ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को देख लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा, हम जनरली पढ़ेंगे कि हमारे व्हीकल्स में कितना लोड होना चाहिए, कितना उसकी विड्थ होनी चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो पहला आ जाता है मेरा डायमेंशन, डायमेंशन में आता है कि मेरा लेंथ, ठीक है, कि किसी भी व्हीकल की लेंथ क्या होनी चाहिए, लेंथ अफेक्ट ऑन टर्निंग रेडियस, एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैपेसिटी एंड पार्किंग एरिया। सीधा सीधी बात है, अगर आपकी किसी भी गाड़ी की लेंथ अगर बहुत ज़्यादा है तो वो क्या होगा, कर्व पे उसको मोड़ने में दिक्कत होगी, कर्व पे मोड़ने में दिक्कत होगी, इसका मतलब है कि आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें हमको लंबी होगी गाड़ी तो उसमें आप पार्किंग करने में आपको काफ़ी परेशानी होगी, तो इस तरीके से ये अफेक्ट करता है। मैक्सिमम जो लेंथ है गाड़ी का, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल वो होना चाहिए 18 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ट्रक या फिर ट्रैक्टर ट्रेलर के लिए फिक्स किया गया है, ठीक है, ट्रक के लिए 18 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं। अब देख लेते हैं आपका विड्थ, जो मैक्सिमम विड्थ है इट अफेक्ट्स ऑन लेन विड्थ सोल्जर एंड पार्किंग एरिया। अगर आपका गाड़ी का विड्थ अगर ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, उसका जो लेन है गाड़ी का, ये हाईवे का, उस चीज़ को अफेक्ट करेगा, और जो शोल्डर है, ठीक है, उस चीज़ को। तो मैक्सिमम विड्थ होना चाहिए 2.44 मीटर, उससे ज़्यादा विड्थ नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए अब देख लेते हैं हाइट, ठीक है, कि किसी भी व्हीकल का हाइट कितनी होनी चाहिए, ओके। देखिए जो व्हीकल है उसकी हाइट ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह क्या है कि रोड के साइड साइड से हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, जहाँ पे हमारा वायर से क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है। तो अगर आपका जो व्हीकल का हाइट बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो उस इलेक्ट्रिक वायर से टच कर सकता है, ठीक है, जिससे हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हम मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल को कितना, 4.75 मीटर पे इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा व्हीकल की हाइट नहीं हो सकती है, नहीं रखा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं वेट ऑफ लोडेड व्हीकल, ठीक है, कि अगर हमारा किसी भी व्हीकल का क्या लोड है वो डिपेंड करता है हमारा ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पेवमेंट, ठीक है, कि अगर लोड बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा कि वो जो हमारा पेवमेंट मटेरियल है, जो उसका लेयर है, उस चीज़ को ये अफेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो होता है इट अफेक्ट्स थिकनेस ऑफ पेवमेंट एंड डिजाइन ग्रेडियंट, जो डिजाइन ग्रेडियंट वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, उस चीज़ को ये क्या करता है, अफेक्ट करने लगता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड एक्सियल लोड होनी चाहिए किसी भी हमारा व्हीकल का, वो होना चाहिए 8.2 टन, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8.2 टन वो मैक्सिमम हो गया, ओके। अब मैक्सिमम लीगल एक्सियल लोड जो है वो होनी चाहिए, मैक्सिमम लीगल जो ये है वो होना चाहिए 10.2 टन, ओके। आप इसमें आ जाता है, नेक्स्ट में आ जाता है पावर ऑफ व्हीकल, ठीक है, जो हमारा ये पावर किसी भी व्हीकल का वो भी हमारा अफेक्ट करता है बहुत तरीके से, ओके। नेक्स्ट आ जाता है मेरा स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है, अगर स्पीड गाड़ी के बहुत ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, साइट डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है, ये अफेक्ट कर देगा साइट डिस्टेंस को, करेगा सुपर एलिवेशन को, करेगा लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, ये आपका ग्रेडियंट हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल, ये सब सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है हमारा व्हीकल का जो स्पीड है, ओके। देखिए वो दो यूनिट हमने ख़त्म कर लिया, ये हमारा लास्ट यूनिट बचा हुआ है ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता क्या है, At least two of the following parameters are needed during the braking test in order to determine skid resistance as pavement. ठीक है, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो हमारा एक skid resistance लगता है, यानी skid करने का मतलब ये है कि अगर मेरा कोई vehicle rotate कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, अगर ये मेरा, यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, अगर ये मेरा कोई vehicle है, ठीक है,
व्हीकल का व्हील है, तो ये क्या करेगा कि ये व्हीकल का व्हील इस तरीके से घूमते हुए जाना चाहेगा, यहाँ घूमेगा फिर यहाँ घूमेगा और घूमते हुए, तो इस चीज़ अगर ये चीज़ क्या कर सकता है, स्कीड कर सकता है। स्कीड मतलब सेंस कि ऐसे गाड़ी था आराम से घसीट के यहाँ तक चला गया, ठीक है, विदाउट कोई मेरा रोटेशन हुए, ठीक है, अगर कोई रोटेशन ही नहीं हुआ इस केस में तो ये क्या स्कीड हो गया। तो इस स्कीड से रोकने के लिए एक फ्रिक्शन लगता है, रेजिस्टेंस लगता है जो इसके जस्ट अपोजिट एक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं स्कीड रेजिस्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एफ लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि ये देखिए व्हीकल का मूवमेंट जिधर है व्हील का उधर ही हमारा इसका अपोजिट डायरेक्शन में इसका लग रहा है, यानी सेम उसी डायरेक्शन में है इसीलिए। ओके, तो इसमें हमको क्या करना है, मेजर करना है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इनिशियल स्पीड एंड एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ अप्लीकेशन ऑफ टाइम, कि हम कितना टाइम में हम अप्लाई करेंगे कि मेरा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा। ओके, तो आप इस चीज़ को यहाँ से समझो, ठीक है, इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये मेरा क्या है व्हीकल है, बी पोजीशन पे है या सी पोजीशन पे, यहाँ पे क्या किया इसने ब्रेक अप्लाई किया, तो यहाँ यू ये आपका यू इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है और यहाँ आते आते इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे स्टॉप्ड हो गई गाड़ी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मेरा कुछ रिटार्डेशन हुआ तो उस रिटार्डेशन का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम वी माइनस यू इक्वल टू 80 लगा देते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, यहाँ से मोशन का इक्वेशन से, तो मेरा यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा वी तो जीरो हो गया, यू माइनस 80, तो माइनस ए बराबर यू अपॉन टी, तो रिटार्डेशन बराबर हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा, एल डिस्टेंस इसने टोटल ट्रेवल किया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देंगे, तो ए के जगह पे माइनस यू अपॉन टी कर देंगे और इसको हम फर्दर आगे सॉल्व कर देंगे, तो मेरा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो आ जाएगा एल इक्वल टू 1 अपॉन हाफ यू टी। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस, यही हो गया 1 अपॉन हाफ इंटू इनिशियल स्पीड इंटू टाइम। अब चलिए हम इसमें स्कीड रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो मैंने सारे वैल्यू को ये करके स्कीड रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो इसका जो ये जो फॉर्मूला आता है L इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2gf, इस चीज़ को आपको याद कर लेना है और यहाँ से सारे जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 और 2 से हम निकाल चुके, ठीक है। आइए अब हम देख लेते हैं कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी होती है जो ग्रेडियंट में ये आपका रेजिस्टेंस ऑब्टेंड होगा और मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होगा, ओके, उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करेगा, तो एफ ऑब्टेंड कितना आ जाता है यू स्क्वायर अपॉन 2gl, ठीक है, जो हमारा स्कीड रेजिस्टेंस रहा। ओके, तो ये था हमारा रोड यूजर, ये आपका रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आपका नेक्स्ट आ गया ब्रेकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में जो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके जो 3 पार्ट है उस चीज़ को मैंने कवर किया। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा ट्रैफिक डिज़ाइन एंड ट्रैफिक एनालिसिस, ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा जाएगा। ओके, सो बी कंटिन्यू विथ माई चैनल। ओके, अगर आपको कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह नोट्स परचेज करना है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से चाहे तो गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज का जनरल स्टडीज का जो सिलेबस नया चेंज हुआ है वो नया नोट्स को आप परचेज कर सकते हो बहुत ही लो प्राइस में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।